जिला सीएलजी समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल टोंक वृत्त अधिकारी टोंक थाना अधिकारी कोतवाली पुरानी टोंक सदर उपस्थित रहे। उपस्थित सीएलजी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहार मोहर्रम, कावड़ यात्रा, श्री डिग्गी कल्याण मेला, रामदेवरा पदयात्रा, डिग्गी पदयात्रा को लेकर कानून व्यवस्था आदि विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक के दौरान सभी जिला सीएलसी सदस्यों को टोंक पुलिस अधीक्षक ने उद्बोधन में बताया कि क्षेत्र में यदि कोई भी घटना घटने वाली होती है या घटित होती है तो सबसे पहले वहां के आम नागरिक को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे आप तुरंत पुलिस को अवगत कराने में सहयोग प्रदान करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अफवाह आती है, उनके संबंध आम नागरिकों को जागरूक करें एवं सतर्क रहें। यदि कोई अफवाह फैलाई जा रही है तो उसके संबंध में तुरंत पुलिस को अवगत कराएं और उसे वेरीफाई करें। सीएलजी सदस्य समाज के जिम्मेदार लोग हैं, किसी भी प्रकार की सूचना हो तो तुरंत पुलिस को अवगत कराएं। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आर्म्स एक्ट में 2.5 गुना अधिक कार्रवाई की गई है, जिससे अपराधों पर काफी अंकुश लगा है। आगे भी इसी प्रकार कार्यवाही जारी रहेगी। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष सौदा की रिपोर्ट। पुलिस थाना निवाई क्षेत्र की चोरियों का खुलासा, एक मुलजिम गिरफ्तार। टोंक पुलिस अधीक्षक ने थाना निवाई क्षेत्र में हो रही चोरियों को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक गीता वृत्ताधिकारी निवाई संदीप सारस्वत के निकटतम सुपरविजन में साइबर सेल टोंक व थाना निवाई की विशेष टीम का गठन कर वारदातों का खुलासा करने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 3 व 4 जुलाई 2023 की रात्रि को बनस्थली मोड़ निवाई व दादू बिहार निवाई में चोरियां होने से परिवादियां निर्मा मीणा निवासी वनस्थली मोड़ ने लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे घर से रात्रि में अज्ञात व्यक्ति 2 मोबाइल फोन व नकदी चुरा ले गए, जिस पर मुकदमा नंबर 316-23 धारा 457-380 में दर्ज किया गया। दादू बिहार निवाई निवासी परिवादियों निर्मा गुर्जर ने थाना हाजा पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि 3 व 4 जुलाई 2023 रात्रि को अज्ञात व्यक्ति मेरे सोने के 3 मांदलिया चोरी कर ले गए, आदि पर मुकदमा नंबर 318-23 धारा 457-380 में दर्ज कर गहनता से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना का खुलासा गठित टीम द्वारा मुखबिर के सघन जांच पड़ताल व तकनीकी ज्ञान द्वारा गहनता से अथक प्रयास कर उक्त वारदात का खुलासा करते हुए राजू पुत्र रामेश्वर उम्र 28 साल जाति मोग्या निवासी संदेड़ा रोड पिपलू थाना पिपलू जिला टोंक को दस्तयाब कर थाना निवाई पर लाकर गहनता से पूछताछ की गई तो उक्त वारदातों को काना उर्फ कान्हा पुत्र रामेश्वर उम्र 22 साल जाति मोग्या निवासी घाटी थाना मालपुरा के साथ उक्त वारदातों को चोरी किए जाने कबूल किया। दोनों मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। शेष माल व मुलजिम की तलाश के प्रयास जारी हैं। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष सौदा की रिपोर्ट।